कल जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, आपको जानकारी दे दें, उनमें पहला नाम था आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिससे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। लेकिन कई सवालों का जवाब संदीप घोष ठीक ठीक नहीं दे रहा था, गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट करने की जो जरूरत थी वो महसूस की गई। इसके अलावा संजय रॉय के राजदार सिविक वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। वह इंटर्न डॉक्टर अर्का सौमित्र और शुभदीप के अलावा हाउस स्टाफ डॉक्टर गुलाम का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कल किया गया है। और अब आज सीबीआई की टीम जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए पहुंची है। तो देखिए, संजय रॉय की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, संदीप घोष पर मामला दर्ज हो चुका है, बाकी और जो पांच लोग हैं, कुल मिलाकर सात लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। कल छह लोगों का हुआ था, आज संजय रॉय का होना है। वो बाकी जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से उस रात की घटना से जुड़े हुए हैं। किसी ने डॉक्टर बिटिया को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा था, कोई उसके साथ डिनर उस वक्त किया था। तो इन तमाम लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है और गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार 9 अगस्त को आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था। पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय से क्या पूछा जाएगा, आइए जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं कि सीबीआई संजय रॉय से क्या जानना चाहती है। और संजय रॉय जो कि अब कस्टडी में है, उससे पूछताछ के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ रही है, तो वो सवाल आइए आपके सामने रख देती हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्या पीड़िता का रेप और उसका मर्डर तुमने ही किया है, ये सीबीआई संजय रॉय से जानना चाहती है। क्या वारदात में तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल था या अकेले तुमने इस वारदात को अंजाम दिया है? क्या पीड़िता के साथ तुमने पहले भी छेड़छाड़ की थी, यानी कि पीड़िता के बारे में क्या संजय रॉय पहले से जानता था? एक थ्योरी इस तरफ भी काम कर रही है कि कैसे सटीक जानकारी संजय रॉय के पास थी कि पीड़िता सेमिनार हॉल में सो रही है, और कैसे संजय रॉय सीधा सेमिनार हॉल में पहुंच जाता है और पीड़िता की चीखें भी कोई नहीं सुनता है। इसके अलावा जो पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछा जाएगा वो ये कि क्या तुम डॉक्टर संदीप घोष को जानते हो, क्योंकि अभी जिन लोगों ने संदीप घोष के बारे में खुलासा किया है, खबरें ये बता रही हैं कि संदीप घोष का बाउंसर भी कभी संजय रॉय रहा करता था, ऐसे सोर्सेस के हवाले से जानकारी है। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट में पता लगाया जाएगा। इसके अलावा क्या मर्डर की जानकारी संदीप घोष को दी थी, क्या वारदात से पहले रेड लाइट इलाके में गए थे, वारदात के लिए सेमिनार हॉल में कोई और भी था, क्या तुम्हारा जो ब्लूटूथ था वो सेमिनार हॉल में टूटा था? ये वो सवाल है जो संजय रॉय से अब से कुछ देर बाद सीबीआई की जो टीम है वो पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पूछेगी। और आप ये समझिए कि अगर इन सवालों का जवाब पॉलीग्राफ टेस्ट में मिल जाता है तो ये समझ सकते हैं कि गुत्थी सुलझाने में इस पूरे मामले में आसानी सीबीआई को होगी। मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक तरफ तो सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है, दूसरी तरफ जो संदीप घोष पर शिकंजा कस रहा है और उसके ठिकानों पर जो छापेमारी इस वक्त पड़ रही है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है मनीष? देखिए, 15 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। संदीप घोष के घर पर इस वक्त रेड चल रही है। देवाशीष जो उसका सहयोगी है, जो दवाइयों को लेकर कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त करता था, उसके घर पर रेड चल रही है। और जो सहयोगी हैं संदीप घोष के साथ, जो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे इस पूरे स्कैम में, उनके यहाँ पर पूरी जांच की जा रही है। डॉक्यूमेंट्स तमाम खंगाले जा रहे हैं कि किस तरीके से आर्जिकल अस्पताल में ये लोग गोरखधंधा कर रहे थे, घपला कर रहे थे, घोटाला कर रहे थे। क्योंकि कल सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया है जिसमें फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज को लेकर ये पूरा मामला दर्ज है। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ये चाहती है कि जो अख्तर अली की जो कंप्लेन है, अख्तर अली ने जो इतने बड़े बड़े आरोप लगाए कि किस तरीके से आर्जिकल अस्पताल में संदीप घोष मनमानी करता था, तमाम दवाइयां, तमाम जो मशीनें हैं उनको खरीदने को लेकर घोटाले घपले होते थे, बड़े बड़े जो आरोप है उसको लेकर कहीं ना कहीं सीबीआई एक अंजाम तक पहुंचना चाहती है और इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि ये क्या ये गुत्थी यही है कि क्या डॉक्टर बेटी इस बात को समझ गई थी कि आर्जिकल में जो इतने बड़े लेवल पर स्कैम अगर हो रहा है तो उसकी जो किंगपिन है वो संदीप घोष है। तो इन तमाम चीजों को एक कड़ी पर दर कड़ी सीबीआई जोड़ना चाह रही है। इसीलिए सीबीआई की एक लंबी चौड़ी टीम जो है संदीप घोष व अन्य लोगों के घरों पर रेड मार रही है, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स इस तरीके के मिल सकते हैं, कि किस तरीके की चीजें खरीद फरोख्त हुई आर्जिकल में और क्या क्या होता था। तो माना जा रहा है कि अभी लगभग सुबह 7 बजे सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी, 2 घंटे वहां पर लगभग इंतजार किया, उसके बाद बमुश्किल संदीप घोष ने घर का दरवाजा खोला, उसके बाद सीबीआई की टीम घर के अंदर पहुंची है और छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है कि क्या किस तरीके से जो आर्जिकल अस्पताल में तमाम घपले हो रहे थे वाकई में वो संदीप घोष अंजाम दे रहा था, और लोगों से भी पूछताछ की जा रही कि संदीप घोष या उन लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में किस तरीके से है।
बिल्कुल, देखिए संदीप घोष की भूमिका क्या है, संदीप घोष पर इतने जो आरोप लगे उसके बावजूद संदीप घोष अपने पद पर कैसे बना रहा है, संदीप घोष पर किसकी मेहरबानी थी, इस घटना के बाद उसकी भूमिका पर जो सवाल खड़े हुए, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सीबीआई का शिकंजा लगातार संदीप घोष पर कसता हुआ नजर आ रहा है।